सीएम अशोक गहलोत का दिल्ली दौरा। जी हां, सीएम अशोक गहलोत ने राहुल गांधी से मुलाकात की। राहुल गांधी के आवास 12 तुगलक लेन पहुंचे डिप्टी सीएम सचिन पायलट। और राजस्थान लोकसभा चुनाव की रणनीति पर लगातार चर्चाएं जारी है। चूंकि आपको पता है कि राजस्थान में 13 लोकसभा सीटों पर 29 अप्रैल को चुनाव होने हैं और अब लगातार राजस्थान में डिप्टी सीएम और सीएम दोनों ही दिल्ली मौजूद है और साथ ही राहुल गांधी से मुलाकात कर राजस्थान की राजनीति की रणनीति पर चर्चाएं करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में सीएम अशोक गहलोत का दौरा और साथ ही डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी राहुल गांधी के आवास 12 तुगलक लेन पहुंचे डिप्टी सीएम सचिन पायलट। और डिप्टी सीएम और सीएम दोनों ही कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। राजस्थान की राजनीति पर क्या कुछ किया जा सकता है लोकसभा चुनाव से पहले, उस पर चर्चाएं करेंगे। राजस्थान लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चाएं होंगी और लगातार चर्चाएं जारी है। इसी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए एवन संवाददाता प्रीत किरण हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। प्रीत, सीएम अशोक गहलोत राहुल गांधी से मुलाकात करने पहुंचे और राजस्थान की राजनीति पर चर्चाएं होंगी, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, सीएम आज सुबह दिल्ली पहुंचे। उन्होंने दिल्ली पहुंचकर राहुल गांधी से मुलाकात की। जिस तरीके से खबरें आ रही थी कि 4 से 5 सीटों पर प्रियंका गांधी के पास शिकायत पहुंची कि 4 से 5 सीटों पर प्रदेश में अच्छे उम्मीदवार, जिताऊ उम्मीदवार नहीं उतारे गए। यही वजह है कि आला कमान ने तमाम जो प्रभारी हैं, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री तीनों को दिल्ली तलब किया। यही वजह थी कि मुख्यमंत्री अपना इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद दिल्ली पहुंचे। उन्हें आज बांसवाड़ा जाकर प्रचार करना था, ताराचंद भदौरिया के नामांकन में शामिल होना था, इसके बावजूद वो जल्दी सुबह दिल्ली पहुंचे और एयरपोर्ट से सीधे राहुल गांधी के आवास पर बैठक में शामिल होने के लिए गए। हालांकि राहुल गांधी को भी उत्तराखंड दौरे पर जाना था, लेकिन दौरे पर रवाना होने से पहले उन्होंने इन तमाम नेताओं से मुलाकात की। उम्मीद ये लगाई जा रही है कि बैठक के अंदर जिस तरीके से खबरें आ रही है सूत्रों के अनुसार कि ज्योति खंडेलवाल का जो स्टिंग हुआ है जयपुर से, जिन्हें प्रत्याशी बनाया गया है, उसको लेके भी इस बैठक में चर्चा हुई। इसके साथ ही झालावाड़, बारा, अजमेर में जो उम्मीदवार उतारे गए हैं उनको लेके राहुल गांधी ने खासी नाराजगी जताई। जिस तरीके से धौलपुर में कमजोर उम्मीदवार को उतारा गया है तो उसको लेके राहुल गांधी ने ये कहा कि अगर पार्टी के पास अच्छे चेहरे हैं, जिताऊ उम्मीदवार हैं, तो इन जो 4 से 5 सीटें हैं जहां पर कमजोर उम्मीदवार उतारे गए हैं इनका बदलाव किया जा सकता है। तो ये भी हो सकता है कि जल्द से जल्द इनको बदल दिया जाए ज्योति। तो फिलहाल देखने वाली बात यह है कि अब राहुल गांधी की नाराजगी के बाद क्या पार्टी इन चेहरों को बदलती है, क्योंकि राहुल गांधी से मुलाकात करके खुद राहुल गांधी आज उत्तराखंड में उनके जो दौरे हैं 3 रैलियां करेंगे, वहां रवाना हो चुके हैं। सीएम मुख्यमंत्री भी ताराचंद भदौरिया के नामांकन के लिए दिल्ली से रवाना हो चुके हैं और आज सचिन पायलट भी उत्तराखंड जाएंगे, ऐसे में दोपहर में वो भी रवाना हो जाएंगे। जी प्रीत, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि सीएम अशोक गहलोत दिल्ली के दौरे पर हैं और साथ ही उनके साथ डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी मौजूद है।